भाइयों जय हिंद जय भारत। भाइयों आज जो वीडियो बनाएंगे भाई, आज आपको एक छोटी सी सोनालिका की गलती पकड़ ली, ठीक है जी। गलती पकड़ी है नहीं पकड़ी है ये तो आप वीडियो देख के बताइयो, लेकिन मुझे तो जहाँ तक श्योरिटी है यही लग रहा है कि भाई ये उन्होंने थोड़ी सी जो सामान है अपना, कह रहे कि फ्रंट एक्सल है, वो उल्टा लगा दिया। उल्टा कैसे लगा दिया मैं आपको वो दिखाता हूँ, मतलब कि मुझे लग रहा है कि उल्टा लगा दिया। बाकी आपको वीडियो देख के आपको पूरा क्लैरिफिकेशन आपको ही देना है कमेंटों में कि भाई वो उल्टा लग गया है या वो घूमने से सीधा हो जाएगा, वो आप ही बताइए, ठीक है जी। और मैं दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या है। ये इसका देखो फोर व्हील ड्राइव का फ्रंट एक्सल है पूरा जी, है ना। और इसमें क्या है कि ये जो कैप होती है साइड वाली, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली ये पूरी देखो, इस पर यहाँ पर उल्टा लिख रखा है पूरा, ठीक है। ITL LTI बन रहा है इधर से, मतलब ITL ये सीधा होना, ये हिस्सा नीचे होना चाहिए था ये वाला किधरी तरफ, बल्कि ये वाली जो पूरा अपना टापा वगैरह जो भी उसे कह लीजिए, ये इधरली साइड आता ना फिर ये सीधा हो जाता। ये देख लो एक बार, इधर से भी देख लो आप, ये चीज़ देख लो, ये इधर भी उल्टा लिख रखा है। और ये किसी भी तरीके से सीधा नहीं हो सकता, सीधा जब ही हो सकता है अगर हम इस साइड को दूसरी साइड कसें। हर्ष भाई ये बताओ, लग रहा है तुम्हें सीधा लग रहा है या उल्टा लग रहा? भाई ये कैप तो इसकी उल्टी है। उल्टी है, उल्टी है, पक्की बात है। बाकी भाई अपने कमेंट में बता ही देंगे, है ना। बाकी भाई बता देंगे कि उल्टी है या सीधी है, या सीधी होगी तो हमें बता दियो भाई किस तरह सीधी है कमेंट में। हाँ लेकिन देखो उल्टा लिख रखा, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा फिर कंपनी वाले घसीटे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, देखियो भाई। भाई बल्ब लग रहा, देखो बल्ब गिर रहा है यहाँ से, कोई हेडलाइट का गिरा हुआ, ठीक है जी। देखो हेड नहीं, हेडलाइट का तो है नहीं, इसमें तो पूरे हैं। देखो ये बल्ब भी कहाँ फंस रहा है, ये देखो जी, ये भी कोई नवा सीन है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उल्टा हमें कैसे लगा, इधर से दिखाता हूँ एक बार। तो भाई ऊपर चढ़ गया मैं एक बार इसके ऊपर, है ना। देखो जो यहाँ पे अक्सर है ये वाले, ठीक है जी, ये बिल्कुल सीधे हैं, तो ये तो सीधा ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिख भी रहा सीधा है। लेकिन जो ये वाली, ये वाला पोर्शन है, ये मुझे तिरछा लग रहा है, ये पल्ली साइड जाना चाहिए था, ये इधर आ गया, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी आप एक बार जरूर बताइयो, ठीक है जी। या फिर या तो हो सकता है कि मार के उल्टे लग गए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई जब इसका मैन्युफैक्चरिंग की गई तो उस वक्त जो अपना मार के हैं वो उल्टे लग गए, ठीक है। तो टाइगर DI-55 है जी सोनालिका, टाइगर सीरीज का ट्रैक्टर, भाई देखने में बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर है, ठीक है। बाकी ये जो इसमें हाईलाइट कर रखी चीज़ें, HDM+ हैवी ड्यूटी माइलेज, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हैं, मल्टी स्पीड शटल ट्रैक, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट PTU क्लच है ट्रैक्टर में, और 2200 kg यानी कि 22 क्विंटल लिफ्ट कैपेसिटी है ना। ये सिंक्रो शटल वाला ट्रैक्टर है जी, ये लग रहा है अपना शटल इधर ये वाला, ठीक है भाइयों। तो वैसे सोनालिका ने जो टाइगर सीरीज के ट्रैक्टर है बना बहुत बढ़िया रखे हैं, मडगार्ड वगैरह देख लीजिए पूरे फुल बढ़िया तरीके से हैं, प्लेटफॉर्म भी इनका बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है कि ये देखो जो अपना गियर वगैरह के लीवर हैं ये थोड़े से ऊंचे देने चाहिए थे ना, थोड़े से ऊंचे, ठीक है जी। सीट वगैरह बड़ी कंफर्टेबल है, सारा का जो ऑपरेशनल एरिया है अपना वो सारा इनका बहुत बढ़िया है। टाइगर सीरीज का तो खासकर कहूँगा मैं, बहुत मतलब कि अट्रैक्टिव ट्रैक्टर है। बाकी उस चीज़ के बारे में आप जरूर थोड़ा सा बताइए, है ना जी। आपको नीचे से दिखा देता हूँ दोबारा मैं। तो भाई इधर से देखो टायर वगैरह तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9524 के टायर हैं, ठीक है जी। लेकिन मुझे इसमें पूरा पूरा लग रहा, ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये ऐसा होता है, ऐसे ही होता है सभी ट्रैक्टर में, ऐसे ही ऐसा मैं लिखा के, या इसी में उल्टे लग रहे, ठीक है, ये जरूर बताइए। ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए ही बनाया है, स्पेशली इसी के लिए कि ये देखना कि भाई ये जो अक्सर लिखे हुए हैं ये इसमें उल्टे ही लिखे हुए आते हैं, या मार का गलत लग गया, क्या वजह रही वो जरूर बताइए, ठीक है जी। बाकी ये तो देखो बल्ब है, ये तो कैसे ना कैसे यहाँ पे आ गया होगा। बाकी आप नीचे से भी देख लो आज टाइगर सीरीज के ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव, ठीक है। वैसे ये जो पूरी अपनी शाफ्ट है फोर व्हील ड्राइव की, जो शाफ्ट है ये पूरी कवर कर रखी है सोनालिका ने, जो कि बहुत एक प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। बाकी देखो ट्रैक्टर के नीचे से ग्रीसिंग वगैरह कंपनी ने पूरे अच्छे तरीके से ऑलरेडी करके भेज रखा है जी, देखो ये कंपनी से भेज रखा है,
ये देखो हर चीज में ग्रीस भी दोस्तों बढ़िया वाला है, ऐसी बात नहीं। ये देख लीजिए ग्रीसिंग वगैरह हर पॉइंट पे ग्रीसिंग मिलेगी आपको, जैसे कि नीचे देख लीजिए वो नीचे भी हो रखा है, ट्रैक्टर के नीचे भी हो रखा है पूरा। तो भाई इस चीज के बारे में जरूर बताइए कि उल्टा इसमें उल्टा मार्का लग गया या ये कसी उल्टे दिए, क्या वजह है ये जरूर बताइए।